प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हाय एंड वेलकम टू ऐसा ही होता है, खेल खेल में साइंस, यही तो है हमारा नारा। इसलिए मैंने और दीपिका ने आज एक खेल बनाया है। खेल, एक रेस मेरी इस लेडी बर्ड और शिवम की इस तितली के बीच में लगी है दौड़, एक रेस। तो अब देखना ये है कि जीतता कौन है, मेरी तितली या इसकी लेडी बर्ड। बिल्कुल, तो हो जाए एक रेस। ओके, रेडी? पर ये एक प्रैक्टिस राउंड, ठीक है? चलो दिया, अब तुम इतना डर डर के कह रही हो, तो चलो ये प्रैक्टिस राउंड। ओके ओके, 1 2 3 स्टार्ट। शिवम दीपिका कर रहे हैं रेस की प्रैक्टिस, हम भी जल्दी से सीख लेते हैं ऊपर चढ़ने वाला खिलौना बनता कैसे है। माचिस की खाली डिब्बी में इस तरह कर ले छेद डायगोनली एक साइड पर, ध्यान से। और धागा उसमें पिरो दें इस तरह। फिर एक मनचाही तस्वीर उस पर चिपका दें। हो गया एक मजेदार खिलौना तैयार, ऐसा खिलौना जिसे हमने खुद बनाया है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये घर्षण या फ्रिक्शन के नियम पर काम करता है, माचिस की डिब्बी और डोरी के बीच फ्रिक्शन। Ready, steady, go. Yes, मैं जीत गई। अब इतना खुश भी मत हो। अब मैं अपनी जीत की खुशी तो मनाऊंगी ना, वैसे तुम रो क्यों रहे हो? मैं हाँ रो रहा हूँ। अच्छा आप देखिए, आपको दिख रहा है कि कोई आंसू? आंसू है यार। एक भी आंसू नहीं, ये दोनों तो लगता है एक दूसरे को यूं ही चढ़ाते रहेंगे। लेकिन अब सवाल भी है और रोने और आंसू की बात भी, तो क्यों ना इसी को बना ले हमारा आज का K3। और शुरू करते हैं यहाँ से आज का रिस्पॉन्स स्पेशल। रिस्पॉन्स स्पेशल जानते हैं ना, जहाँ आप हमसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है और हम बताते हैं कि क्यों ऐसा ही होता है। देखिए, हमारी आंखों में ऊपर की तरफ है एक छोटी सी ग्रंथि, हमारा टियर ग्लैंड या लैक्रिमल ग्लैंड। यही आंसू बनते हैं और हमारी आंख को गीला रखते हैं, गीला साफ और हेल्दी। हम हर 6-7 सेकंड में एक बार पलक झपकते हैं और हर बार इस ग्लैंड से निकली आंसू की एक बूंद हमारी आंख पर फैल जाती है। आंसू मामूली पानी नहीं, नमक और लाइसोजाइम से बना एक एंटीसेप्टिक है जो आंख की रक्षा करता है। अगर हमारी आंख में कुछ गिर जाए तो लैक्रिमल ग्लैंड तुरंत बहुत सारे आंसू छोड़ता है और इस किरकिराहट को धो डालता है। और जब हम उदास होते हैं तो भी टियर ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है, हम रोने लगते हैं। आप भी हंसने लगे ना, किसी को हंसता देख हंसी आ ही जाती है। लेकिन अगर क्लासरूम में ऐसे हंसेंगे ना तो आपकी टीचर बिल्कुल नहीं हंसेगी, इनफैक्ट वो आपको रुलाई देगी। तो ये हम हंसते या रोते क्यों हैं? क्या हंसने और रोने की भी कोई साइंस है, और अगर है तो कौन सी और कैसे? यही है हमारा अगला K3, हम हंसते या रोते क्यों हैं? क्या इसकी भी कोई साइंस है? ऑफ कोर्स साइंस है, रोने और हंसने की भी साइंस है, यहाँ तक कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइकोलॉजी भी है। साइंटिस्ट काफी रिसर्च कर चुके हैं हंसने और रोने पर, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो चलिए
हम भी साइंटिफिकली इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। मैंने दीपिका और शिवम को थोड़ा सा रुला दिया है। अरे भाई, साइंस का सवाल है, थोड़े से आंसू तो बहाने पड़ेंगे। इन दोनों को रुला रहा है प्याज। प्याज जिसके कुछ सल्फर कंपाउंड आंख की नमी से मिलकर एसिड बनाते हैं जो आंख को इरिटेट करता है। इसीलिए प्याज काटने पर आंखें जलती हैं और आंसू बहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये रिफ्लेक्स टीयर्स उन इमोशनल टीयर्स से बिल्कुल अलग हैं जो दुखी होने पर बहते हैं। केमिकल एनालिसिस बताता है कि इमोशनल टीयर्स में हॉर्मोन्स और प्रोटीन्स ज्यादा हैं, इसीलिए रोने के बाद मन हल्का हो जाता है, स्ट्रेस कम होता है और हमें फायदा पहुंचता है। रही बात हंसने की, तो हंसने के तो फायदे ही फायदे। हंसने से हमारे लंग्स की एक्सरसाइज होती ही है, साथ में हमारे शरीर में बहुत से फील गुड हॉर्मोन्स या एंडोर्फिन्स बनते हैं। ये हमारे शरीर और मन दोनों के लिए अच्छे हैं। इससे भी तनाव दूर होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, यहाँ तक कि सर्दी जुकाम कम होते हैं। तभी तो देश भर में बहुत से लोग लाफ्टर क्लब्स बनाकर हेल्दी रहने की कोशिश में लगे हैं। कर रहे हैं और क्या आप देखना चाहते हैं जो हम देख रहे हैं? जब हम टॉर्च को ऊपर से इस पर चमकाते हैं तो पेपर के चारों तरफ ब्लूइश लाइट दिखाई देती है, लेकिन जब हम साइड से टॉर्च चमकाते हैं तो लाइट का रंग हो जाता है ऑरेंजिश। ऐसा क्यों? ऐसा उसी लिए जैसे सूरज उगने और डूबने के समय लाल दिखाई देता है। यही तो है हमारा अगला K3। और पता है इसका जवाब हमने बिल्कुल अकेले ढूंढा है। दूध की ये बूंद है वातावरण की गैसेस और धूल, मतलब बर्तन में भरा पानी बन गया है वातावरण। टॉर्च है सूरज और कागज पर पड़ने वाली रोशनी है वो जो हमें दिखती है। सूरज साइड में होता है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय और ऊपर होता है दिन के वक्त। इसे समझते हैं, सूरज की रोशनी वातावरण से होकर ही हम तक पहुंचती है। रास्ते में जब किरणें मॉलिक्यूल से टकराती हैं तो बिखर जाती हैं, स्कैटरिंग। वातावरण कम वेवलेंथ की प्रकाश को ज्यादा बिखेरता है, कम वेवलेंथ मतलब नीला। दोपहर को सूरज पृथ्वी के ऊपर होता है, उसकी किरणें सीधी लाइन में हम पर गिरती हैं और नीला रंग बहुत ज्यादा बिखरता है, इतना कि पूरा आसमान हमें नीला नजर आता है। लेकिन डूबते समय और उगते समय सूरज ऊपर नहीं होता। अब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर तिरछी पड़ती है, प्रकाश बहुत गहरे वातावरण से निकलकर हमें दिखता है। ऐसे में नीला प्रकाश चारों तरफ इतना ज्यादा फैल जाता है कि जो लाइट हम तक सीधी पहुंचती है उसमें हमें नीला सबसे कम मिलता है, मतलब पीले और लाल रंग ज्यादा। मतलब सनराइज और सनसेट्स ऑरेंज या रेड इसलिए होते हैं कि हमारी आंखों में पहुंचने वाली लाइट में ब्लू वेवलेंथ माइनस हो चुकी होती है, घट चुकी होती है। वाह शिवम, वाह दीपिका, क्या बात है! सवाल का जवाब भी ढूंढ लिया, बात भी समझ ली, औरों को भी समझा दी और एक्सपेरिमेंट भी दिखा दिया। वेरी गुड। तो चलिए, दीपिका और शिवम ने प्रकाश की बात शुरू की ही है तो मैं भी ले आई हूँ एक और K3, लाइट से जुड़ा। शैडो, परछाई, दिमाग में क्या आता है? ब्लैक, नो लाइट, राइट? लेकिन परछाई रंगीन भी तो हो सकती है। हो क्या सकती है? है। मैं बना के दिखाऊंगी आपको कुछ रंगीन परछाइयां और पता करेंगे अपने K3 का जवाब।
सफेद लाइट में छाया होगी बिल्कुल साधारण, रोज दिखने वाली काली छाया, डार्क शैडो। शैडो या परछाई क्या है ये तो हम जानते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, उसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाए जैसे ये हाथ, तो प्रकाश दूसरी तरफ नहीं पहुंचता और बन जाती है परछाई, अंधियारी परछाई। परछाई कितनी बड़ी, कितनी डार्क और कहां, ये डिपेंड करता है लाइट सोर्स की दूरी और एंगल पर। लेकिन क्या हम परछाई को रंग दे सकते हैं? कलर्ड लाइट, देखिए कुछ मजेदार। पहले जलाते हैं रेड लाइट, देखिए किस तरह अब भी काली परछाई ही बन रही है, लेकिन परछाई के चारों तरफ दिख रही है रेड लाइट। अब करते हैं लाल के साथ नीली और व्हाइट लाइट भी ऑन। अब देखिए परछाई का रंग, समझे आप? जिस जगह हमारा हाथ रेड लाइट को ब्लॉक कर रहा है वहां परछाई है व्हाइट लाइट माइनस रेड लाइट, मतलब साइन। और जहां हाथ ग्रीन लाइट को रोक रहा है वहां परछाई है व्हाइट लाइट माइनस ग्रीन लाइट, मतलब मैजेंटा। इसी तरह अलग अलग रंगों की लाइट्स यूज करके हम परछाइयों को मजेदार रंग दे सकते हैं, इसकी साइंस तो हम समझ ही गए हैं। एलपीजी मतलब गैस पर जब मम्मी खाना बनाती हैं, तो फ्लेम्स का कलर ब्लू होता है। हाँ, और जब कोयला जलता है तो यही फ्लेम का कलर ऑरेंज हो जाता है। और दिवाली पर जब फुलझड़ियाँ जलाते हैं तो कितने डिफरेंट कलर्स की होती हैं। आखिर इस आग का कलर क्या है? ये आग है क्या? आग तो आग है, गर्म ब्राइट। लेकिन ये आग है क्या? है क्या ये? इसके थ्री का जवाब तो हमें भी चाहिए। जरूर मिलेगा। आग, फायर। मैं मानती हूँ कि आग हमारे एवोल्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। हम जो खाते हैं, पहनते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, घरों में रहते हैं, सभी तो आग से जुड़ा है। आग ही तो है जिसने एक झटके में हमें सब जानवरों से सुपीरियर बना दिया, अलग कर दिया। आप भी इस बारे में सोचिए। तब तक हम इस माचिस के साथ पता करते हैं कि आग है क्या। हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि इस छोटी सी डिबिया में कितनी साइंस छुपी है। माचिस की तीली, बिल्कुल सूखी लकड़ी जो तुरंत आग पकड़ ले। तीली के सिर पर एक स्पेशल मिश्रण जिसमें फास्फोरस है, ऐसा एलिमेंट जो बहुत जल्दी जलता है। माचिस की खुरदुरी साइड जो फास्फोरस को जलाने के लिए जरूरी, यहाँ काम आता है फ्रिक्शन या घर्षण। रगड़े जाने पर प्रोड्यूस होती है गर्मी, यही वो एनर्जी है जो आग शुरू करने के लिए जरूरी है। आग आफ्टर ऑल है क्या? ईंधन और ऑक्सीजन के बीच एक केमिकल रिएक्शन जो पैदा करता है आग, ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, केमिस्ट्स कहते हैं कंबस्शन। शुरू करने के लिए चाहिए एक ऊर्जा जो गर्मी हो सकती है, स्पार्क या खुद आग। रहा सवाल कि आग क्या है, तो आग है गर्म गैसों का गोला जिससे प्रकाश मिले, हीट एंड लाइट। दिवाली की फुलझड़ियों में अलग अलग केमिकल सॉल्ट्स को यूज करके अलग अलग रंग की फ्लेम्स या स्पार्क्स मिलती हैं। वैसे अलग अलग रंगों की फ्लेम्स का टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। जब तक ऑक्सीजन थी तब तक मोमबत्ती चली, ऑक्सीजन खत्म, मोमबत्ती बुझ गई। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पानी ऊपर क्यों गया। तो ज्योति आप समझ गई ना, यही तो था आपका केतली। करते हैं एक बार फिर ये एक्सपेरिमेंट और देते हैं जवाब ज्योति सिंह के सवाल का।
किसी भी चीज को जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। मोमबत्ती भी जल रही है आसपास की हवा में ऑक्सीजन की वजह से। आसपास की हवा जिसमें 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन। आप जब जलती हुई मोमबत्ती को ग्लास से ढक देते हैं तो मोमबत्ती सिर्फ तब तक जलती है जब तक अंदर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन खत्म होने पर मोमबत्ती बुझ जाती है। पानी ऊपर क्यों चढ़ता है, क्या ये समझे आप? ऑक्सीजन खत्म मतलब ग्लास में खाली जगह, लो प्रेशर। अब ग्लास के बाहर दबाव ज्यादा तो पानी अंदर चढ़ जाएगा। पानी उतना ही ऊपर चढ़ेगा जितनी ग्लास में खाली जगह ऑक्सीजन ने की है। दीपिका शिवम तो बड़े उस्ताद निकले, हर सवाल का जवाब फटाफट ले आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस केतरी का जवाब ढूंढ पाते हैं या नहीं। मुगल सराय से गुड्डू जानना चाहते हैं कि घर में यूज होने वाली चीजों की साइंस क्या है, वो कैसे काम करती हैं। घर में यूज होने वाली चीजें, बल्ब। बल्ब कैसा रहेगा, क्या ख्याल है गुड्डू? तो चलिए दीपिका और शिवम से पूछते हैं कि इलेक्ट्रिकल बल्ब लाइट कैसे देता है। इंटरेस्टिंग। बल्ब कैसे काम करता है ये तो हमें पता है, लेकिन अगर अच्छे से जवाब जानना हो तो लॉजिकली सोचना पड़ेगा। फिलामेंट तो बिल्कुल ठीक है। अब जब बल्ब को इस होल्डर में लगा देंगे और इलेक्ट्रिक करंट इस फिलामेंट में पहुंच जाएगा तो ये बल्ब जल जाएगा। तो जलाते हैं इस बल्ब को और समझते हैं इसकी साइंस। हर इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है टंगस्टन का बना एक महीन फिलामेंट। बल्ब की बनावट ऐसी है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इस फिलामेंट तक पहुंचती है, फिलामेंट गर्म होता है, वाइट हॉट। इतना गर्म कि वो चमकने लगता है और रोशनी देता है। टंगस्टन ऐसा धातु है जो बहुत गर्म होने पर भी पिघलता नहीं, इसीलिए टंगस्टन फिलामेंट को इतना गर्म करना संभव है कि वो प्रकाश फेंकने लगे। बल्ब एयरटाइट होता है, इसके अंदर हवा नहीं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन हो तो तार आग पकड़ लेगा। बल्ब में तो होती है आर्गन, एक इनर्ट निष्क्रिय गैस जो टंगस्टन के साथ कोई क्रिया नहीं करती। हमारे दिमाग के इलेक्ट्रिकल सर्किट्स खूब मजबूत हो रहे हैं। दिमाग ही तो है जिसे जितना यूज करो उतना अच्छा। और आपके सवालों को देखकर तो यूं लग रहा है कि आपके दिमाग भी खूब चल रहे हैं, साइंस खेलने में बहुत मजा आ रहा है लगता है। तो चलिए हो जाए कुछ फटाफट सवालों के फटाफट जवाब। जवाब जवाब जवाब, यही तो है सवाल 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 सवाल। तो देखिए और सुनिए भी। हेलो, कोई है? ऐसा ही आवाज को टकराकर लौटने में 0.1 सेकंड से अधिक समय लगना चाहिए, वरना हमारे कान उसे एको जैसे सुन ही नहीं सकते। ऐसा तभी हो सकता है जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमसे काफी दूर हो और वो साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब ना करके वापस रिफ्लेक्ट करे। आप पाएंगे कि पहाड़ियों, गुफाओं और कुओं में सबसे अच्छी एको सुनाई देती है। ऐसा ही होता है। मजेदार सवाल, फारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान पर बराबर डिग्री होते हैं? पानी उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 डिग्री फारेनहाइट पर, और बर्फ बनता है 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फारेनहाइट पर। इस आधार पर फारेनहाइट और सेल्सियस को आपस में बदलने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला। देखिए कैसे -40 की संख्या पर फारेनहाइट और सेल्सियस बराबर हो जाएंगे। मकड़ियां, स्पाइडर्स तो आपने देखे ही होंगे हमारे घरों की दीवारों पर, पेड़ों पर, जमीन पर, बहुत सारी जगह। पर जो हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं वो आपने कभी नहीं देखा होगा। हमें मिली ये मकड़ियां जंगल में, और मिली तो ऐसे कि हम तो हैरान ही रह गए।
जंगल में मकड़ियों के जाले तो कई बार दिख जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ों के बीच दूर दूर फैले जाइंट वुड स्पाइडर्स के जाले, या फिर जमीन पर धात लगाए बैठे फनल स्पाइडर के घर जिसमें जाला एक कुप्पी की तरह है। फिर हमें मिला एक और जाला, इसके अंदर हमारे कैमरे ने झांका तो हम हैरान रह गए। मकड़ी के बच्चे मानो आठ टांगों पर भागती हुई पीली डॉट्स, इन्हीं नन्ही मकड़ियों को जल्दी से इस जाले को छोड़कर अपना नया जाला बनाना होगा और फिर अपना परिवार। मकड़ियां कीड़ों के परिवार से नहीं बल्कि अराकनिड परिवार से हैं। इनके खाने का तरीका अजब, ये अपने शिकार को खाती नहीं, सूप की तरह पी जाती हैं। ऐसा ही होता है जब हम कैमरास लेकर जंगलों में जाते हैं। अजीब अजीब इंसेक्ट्स, बड़े बड़े जानवर, पेड़ और ना जाने क्या क्या। ऐसे ही मजेदार साइंटिफिक फैक्ट्स लेकर हम एक बार फिर आएंगे अगले हफ्ते। एक बार फिर अब बाय विद अ वाई। अब बाय विद अ वाई, एक क्यू के साथ, क्योंकि क्यू ही तो वो मैजिकल शब्द है जो हमारी नॉलेज बढ़ाता है, हमें सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उकसाता है। सो बाय बाय विद अ वाई, क्योंकि यहाँ तो ऐसा ही होता है। बाय।